कुसुंडा एरिया 6 के क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक द्वारा मनमानी एवं अमर्यादित व्यवहार तथा मजदूर प्रतिनिधि के साथ गलत व्यवहार करने के साथ साथ क्षेत्र में आई आर व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के विरोध में आज कुसुंडा एरिया 6 के मुख्य द्वार पर बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक का पुतला फूंका। इस मौके पर BCKO के क्षेत्रीय सचिव सह केंद्रीय सचिव हरिप्रसाद पप्पू मुख्य रूप से उपस्थित थे। मनमानी और अमर्यादित व्यवहार के साथ साथ मजदूरों एवं जन प्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसका हमारी यूनियन पुरजोर विरोध करती है और अभिराम क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक को हटाने की मांग करती है। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग पहला मांग किए है कि वित्त प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण में विभाग में ऐसे पागल को नहीं रखा जाए, क्योंकि इनके रहने से पूरा कुसुंडा एरिया का IR खराब हो रहा है। कोई भी काम या मजदूर हो या मजदूर प्रतिनिधि जब भी लेकर जाते हैं ये पागल जैसा व्यवहार करते हैं, अपना चाटा अपने ही गाल पर मारते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज महाप्रबंधक को कहा है कि ऐसे एरिया नंबर 6 में ऐसे पागल आदमी को भी प्रबंधक रहने का इसका कोई औकात नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ से हटाया जाए। और हम लगातार हमने ये भी कहा है कि जब तक ये नहीं हटेगा पागल वित्त प्रबंधक, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक इसका यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। आज यहाँ विभिन्न समस्याओं से यहाँ के मजदूर ग्रसित हैं, न प्रमोशन हो रहा है, न बकाया पैसा मिल रहा है, न उत्पादन उत्पादकता पर मैनेजमेंट का ध्यान है। टोटल एरिया में आज लूट खसोट का साम्राज्य बना हुआ है। GM के सामने, जनप्रतिनिधि के साथ में, मजदूर प्रतिनिधि के साथ में खुलेआम यहाँ का वित्त प्रबंधक खुलेआम नजायज कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। ये अराजक स्थिति जो आज यहाँ पर बना है कुसुंडा एरिया में, वो आज हम चेताने आए हैं कि कुसुंडा एरिया यहाँ की भूमि है, यहाँ की शहीदों की भूमि है, और यहाँ पर जो भी रंगबाजी करेगा, चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे माफिया हो, गोधर की सरजमी पर उसका गुजारा नहीं होगा, उसको भागना होगा।